बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाजरीन, खमीरे को तिब्बे यूनानी में नाजुक तबा, नाजुक मजाज मरीजों के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था। ऐसे मरीज जो कड़वी कसैली दवाइयों को खाना पसंद नहीं करते थे, उनके लिए अतिबाए मुताखिरीन ने ये खमीरों का सिलसिला शुरू किया और मुख्तलिफ नामों से खमीरों के मरकबात बनाए और उनको मुख्तलिफ अमराज में देना शुरू किया। और खमीरे की शक्ल में दवाइयों का इस्तेमाल बड़ा खुशगवार बन गया और बड़ी खुश जायका और खुशबूदार दवाइयों की शक्ल बन गई, जिसको नाजुक तबा, नाजुक मजाज मरीज़ बड़े शौक से, बड़ी आसानी से इस्तेमाल करने लगे। नाजरीन, तिब्बे यूनानी में बहुत से खमीरे हैं जो मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। खमीरा गौज़बान, खमीरा मरवारीद, खमीरा ब्रेशम, खमीरा बादाम, खमीरा बनफशा और इसी तरह खमीरा गौज़बान, अंबरी वगैरह भी तिब्बे यूनानी के मशहूर खमीरा जात हैं, जिनको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन आज जिस खमीरे के बारे में मैं बताने लगा हूँ, ये एक तरह का तिब्बी अद्वियात में एक जो खमीरे जो हैं, 5-7 खमीरे जो मशहूर हैं, उनमें एक तरह का एक शाहकार है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये नहीं कि 2-4 दिन 10 दिन इनके इस्तेमाल के बाद फिर कोई ये अपना असर करते हैं, बल्कि इसकी एक आध खुराक ही अपना फौरी असर करती है। ये खमीरा है खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। हकीम अरशद ये कोई एक मशहूर तबीब थे, 150-200 साल पहले इन्होंने ये खमीरा, इसका नुस्खा तजवीज़ किया। और चूँकि वही इस खमीरे के मुअज्जिद थे, इसका नुस्खा तरतीब देने वाले थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस खमीरे का नाम पड़ गया, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। और ये खमीरा तकरीबन तमाम मशहूर दवा साज अदारे बनाते हैं और नाम इसका यही हर एक दवाखाना रखता है, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। और मेडिकल स्टोर और पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। कदरे दूसरे खमीरा जात से ये ज़रा महंगा होता है, लेकिन फ़वाद में बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है। नाजरीन, इसमें जो अहम जुज़्व होता है, बड़ा जुज़्व जिसके नाम पे इस खमीरे का नाम है, वो होता है अब्रेशम। लेकिन जो सबसे इसमें जो अहम जो अज्जा हैं जिन्होंने इस खमीरे को ज़्यादा मुअसर बनाया होता है, वो इसमें मुख्तलिफ जवाहरात हैं जिनको दवा सादी में इस्तेमाल किया जाता है। एक इसमें है शाख मरजान, यकूत और मरवारीद और संग यशब। इनके अलावा ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी भी इसके नुस्खे में शामिल हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर खमीरे को बहुत ज़्यादा मुअसर बना देती हैं। इसके अलावा जब खमीरा ये बन जाता है, इसको बनाने के बाद फिर खमीरे में तलाई वर्क और नुकरई वर्क यानी सोने और चांदी के वर्क भी मिलाए जाते हैं, जिनसे इनका असर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाजरीन, ये खमीरा जो है, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, इसके फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं
कि सबसे बढ़कर ये कि ये खमीरा अज़ाए रईसा यानी दिल दिमाग और जिगर के लिए बहुत ही मुफीद दवा है। दिल की धड़कन अगर इतदाल से बढ़ गई हो या इतदाल से कम हो गई हो तो ये खमीरा दिल की धड़कन को इतदाल पर लाता है, घबराहट वगैरह दूर करता है। इसके अलावा अगर बिला वजह तफक्कुरात परेशानी और डिप्रेशन वगैरह की कैफियत होती है, इसको भी ये खमीरा इसकी चंद खुराकें ये कैफियत यानी बिला वजह के तफक्कुरात परेशानी बिला वजह की सोच विचार इनको ये खमीरा दूर कर देता है। इसके अलावा मर्ज के बाद की कमज़ोरी जो है उसको ये इसकी चंद खुराकें इस खमीरे की वो मर्ज किसी बीमारी के बाद की कमज़ोरी और नकाहत वगैरह को इसकी चंद खुराकें इस खमीरे की दूर कर देती हैं। तो ये खमीरा जो है ये इसकी मकदार होती है तकरीबन 5 ग्राम की मकदार में चाय यानी चाय वाला आधा चम्मच खमीरा सुबह नहार मुँह थोड़े से पानी के साथ या थोड़े से दूध के साथ अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो चंद दिन इस्तेमाल करने से ये सारी जो कैफियात हैं जैसे घबराहट वगैरह तशवीश डिप्रेशन और बिला वजह के तफक्कुरात उनको ये खमीरा दूर करता है, घबराहट बेचैनी वगैरह भी दूर करता है। इसके अलावा दिल दिमाग और जिगर को ताकत देता है। और ये नहीं कि ये इसको कोई हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें तो फिर जाकर फ़ायदा होता है, बल्कि ये एक इस तरह का खमीरा है कि इसको अगर इसकी एक खुराक भी इस्तेमाल कर ली जाए तो वो भी 5-10 मिनट आधे घंटे बाद अपना असर दिखाती है। और ये जो कैफियात मैंने बताई हैं इनमें इस खमीरे का इस्तेमाल ये कैफियात इनको दूर करता है। तो इसको आप ये एक तरह का एक बहुत अहम एक खमीरा है जो तिब्बे यूनानी में अतीबा हजरात इसको इस्तेमाल करवाते हैं। और मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो और दिल से ही तरह काम ना करता हो तो फिर चंद दिन अगर इस खमीरे को दे दिया जाए तो वो अगर दिल का कोई मसला मसाइल कोई कमज़ोरी वगैरह होगी तो इसके इस्तेमाल से वो कमज़ोरी दूर होगी। घबराहट बेचैनी वगैरह तो इस खमीरे की एक दो खुराकें ही वो घबराहट और बेचैनी तशवीश वगैरह डिप्रेशन उसको दूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी हफ्ता 10 दिन अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो ये महीना 2 महीने के बाद इसको हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कर लेना ये इन सारे जो सारी कैफियात सारी तकालीफ जो मैंने बताई हैं जिनमें इस खमीरे को इस्तेमाल किया जाता है ये महीना 2 महीने बाद अगर 5-10 दिन इस खमीरे को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और ये सेहत अफजा एक खमीरा है जिसको आप तंदुरुस्त अगर अफराद भी इसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत एक मुफीद चीज़ है, उनके दिमाग को ताकत देती है, कमज़ोरी थकन वगैरह इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। तो नाज़रीन इसको आप इस्तेमाल करें इससे इंशाल्लाह बहुत इसको आप मुफीद पाएंगे, बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।